थरा है प्रॉब्लम में और सोचे कि रिशिता और रावी की इसमें मदद लेने के लिए। ये तो रायता फैलते ही जा रहा है, मुझे रावी और रिशिता की हेल्प लेनी होगी, पर उससे पहले मुझे क्रिश और प्रिना को सब सच बताना होगा। प्रेरणा बेबी, तू क्रिश के कमरे में? हाँ मम्मी, शादी से पहले दूल्हा दुल्हन बेबी एक कमरे में नहीं रहते। अरे मॉम, क्रिश बोलो ना। नो, मम्मी क्या बोल रहे हो आप? एक बार सुनो। नो बेबी, नो 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 नो, एक सेकंड, प्लीज नो 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 बेबी, कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। अरे मम्मी आप समझ नहीं रहे हो आप। एक तुम बैठ जाओ, जस्ट सिट, आराम करो, मैं जयमाला के डेंटल में लेने आऊंगी। हाँ ठीक है, हेलो पंडित जी, मैं कृष और प्रेरणा को मंदिर लेकर आ रही हूँ, आप शादी की सारी तैयारियां रखिएगा। यहाँ पर बहुत रायता फैल गया है। वो जो लड़का लड़की है ना, अनुराग और काजल, जिनकी शादी मैं करवाने जा रही थी, उनके माँ बाप भी यहाँ मंडप में आ गए, बहुत गड़बड़ हो गई है। कोई सवाल जवाब नहीं, सीधा जा शिव पार्वती मंदिर, वहीं तेरी शादी होगी। शिव पार्वती मंदिर, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच तारा भाभी।